अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ होंगे। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत 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 स्वागत है। पहले ही बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और यस, ये वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्चुअली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर यस, बेसिक्स हेल्थ टिप है जो कि मुझे पता है तो मुझे लगा मैं आप लोगों को बताऊँ। तो वो ये है कि आज की मेरी टॉपिक का जो टॉपिक है आज का वो है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। तो मैं ये बोलने पहले इसके बारे में बात करने से पहले ऑफकोर्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एक्चुअली क्या है। तो इन्फ्लेमेशन कुछ नहीं है, बॉडी में जो छोटी कहीं पे अगर आपको स्वेलिंग नज़र आए या रेडनेस नज़र आए या फिर आपको कहीं पे अचानक से पेन होने लगे तो इन्फ्लेमेशन वही होती है जहाँ पे अगर आपके बॉडी के नॉर्मल उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, पेन फील हो तो समझो आपका बॉडी वहाँ पे सूजन हो गया है। क्योंकि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन का सबसे पहला साइन ही होता है पेन। तो आपको फिर लगेगा कि हाँ, तो वो पेन या तो फिर आपके किसी जॉइंट में, ज़्यादातर जॉइंट पेन में होता है या फिर दांतों में होता है या फिर किसी ऐसे जगह पर, कहीं पर भी हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में बहुत सारे प्रकार से सूजन हो सकता है। किस किस वजह से हो सकती है? पहले, अगर आप डेली जो खाना खा रहे हो तो उसका इंटेक, अगर आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होगा तो उसका वो वन ऑफ द रीज़न है इन्फ्लेमेशन होने का। सेकेंड, आप कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं अचार खाने का, फॉर एग्जांपल मी, तो वो लोग, उन लोगों के बॉडी में भी क्योंकि अचार में बहुत वो सॉल्ट होता है तो जिसके कारण से पानी होल्ड करके इन्फ्लेमेशन हो सकता है बॉडी में। तो और फिर अगर आपको इम्प्रॉपर स्लीप हो उसके कारण से भी हो सकता है। देन अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो देन फॉर दैट ऑल्सो, देन जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल इंटेक करना, ये सब भी वन ऑफ द फैक्टर है इन्फ्लेमेशन के। द मेन फैक्टर इज़ द डाइट, जिसमें अगर आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है। सो यस, दिस आर द रीजन जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सूजन हो सकती है जगह पे जगह की। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका ये हो तो आप इनको कम कैसे करो। सो यस, अब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये जो सूजन हुई है आपको, अगर आपको ऐसा लग जाए तो आप इस सूजन को कैसे कम करो अपने घर में बैठ के। तो कुछ नहीं है, वही सूजन होती है डाइट की वजह से, हाई सॉल्ट इनटेक की वजह से। तो आप अपने डाइट में, अपने खाने में जो सॉल्ट इनटेक है उसको कमा दो। उसके बाद वही दूसरा, आप जो अचार खाते हो उस अचार को कम करो खाना, वरना फिर सूजन और बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद थर्ड, आप जो स्मोकिंग, स्ट्रेसिंग वगैरह वो कम करो। देन फोर्थ, आप एक्सरसाइज कर सकते हो 30 मिनट सुबह शाम, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई सूजन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके एक्सरसाइज करने से। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो अगर कहीं पे सूजन होगी तो वो कम जाएगी। तो उसके बाद आपको फोर्थ, कुछ नहीं है, अगर आप बहुत देर तक काम करते हो, सपोज़ आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको बहुत देर तक बैठना होता है, लंबा लंबा वर्किंग आवर्स जो है करते हैं, वो आप थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक लो और वो काम करो, तो उससे भी आपका इन्फ्लेमेशन कम सकता है। उसके बाद फिफ्थ, आपको कुछ फूड्स होंगे जिसको अवॉइड करना होगा और कुछ फूड को आपको खाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप कौन सा, आप सोच रहे होगे कि क्या खाओगे, तो जैसे आपको रेड मीट अवॉइड क्या करोगे, रेड मीट अवॉइड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको वाइट फ्लोर अवॉइड करना पड़ेगा, जो आटा होता है उस वाला, वो वाला अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप और भी कोई ऑयली चीज़ होंगी वो अवॉइड करो। उसके बाद आप क्या खाना प्रेफर करोगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फिशेस खा सकते हो, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लूबेरी खा सकते हो, ग्रेप्स खा सकते हो, तो ये सब आप खा सकते हो, इससे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन में इतना कोई फैक्टर एकदम एग्रीवेट नहीं करेगा। उसके बाद नाउ सिक्स, आप अगर बाई चांस कहीं जा रहे हो और नारियल पानी आपको दिख रहा है तो आप नारियल पानी पियो, क्योंकि नारियल पानी हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड को बाहर कर देता है और उससे बॉडी में टेंशन कम होती है और सूजन कम जाता है हमारे बॉडी में।
ये हुई। उसके बाद अगर बाई चांस आपको नारियल पानी भी नहीं मिल रहा तो आप फिर क्या करोगे, तो घर में रेमेडी आप विनेगर, वो जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो तो आप जानते हो, आप गर्म पानी करो, एप्पल साइडर विनेगर रखो और उसमें उसको पियो, तो उसको पीने से भी आपका इन्फ्लामेशन बॉडी का कम जाता है। उसके बाद अगर वो भी नहीं है आपके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिंजर तो जानते हो, जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधा आधा, हाँ आधा को उबाल के पानी में आप पी सकते हो, उससे भी आपको वो भी आपको हेल्प करेगा इन्फ्लामेशन कम करने में। सो ये हुआ आपका खाने का डाइट। नाउ इससे भी अगर आपको लगे कि आपको नहीं हो रहा कुछ, देन आप वहाँ पे मसाज कर सकते हो, जैसे ऑयलिंग ऑयल से मसाज करोगे जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है कोई ऐसे जॉइंट में या कहीं पे, तो फिर वो आपको एक आरामदायक हो जाएगा। फिर आप रात में जब सोने लगो तो सोते समय आप दो पैरों के नीचे पिलो रख सकते हो ताकि वो पैर ऊपर के डायरेक्शन में जाए और जो इन्फ्लामेशन होता वो पानी नीचे की तरफ करके आ जाए तो इन्फ्लेमेशन कम चलता है। तो ये भी एक वो है रेमेडी है। उसके बाद आप रात में अगर कोई टाइट सॉक्स पहन के सो सकते हो, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहती है वहाँ से आराम से वो पानी निकल जाता है तो इन्फ्लेमेशन जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। सो ये है ये ज़्यादा टिप्स इससे आप कम कर सकते हो। उसके बाद अगर लगे कि नहीं फिर भी नहीं हो रहा तो हमें पता ही है कि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन से भी होता है, तो आपको एंटी हिस्टामिन दे सकते हो, दुकान में जाना कोई भी एंटी हिस्टामिन मांगना तो आप खाओ के और फिर उससे शायद कम जाए, अगर नहीं तो NSAID कोई भी NSAID मैंने NSAID जाके ले सकते हो तो उससे भी आपका कम जाएगा। और बेस्ट पार्ट मैं ये बोलूँगी, अगर तब भी आपका ना कमे तो आई विल सजेस्ट कि आप जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर आपको अच्छी मेडिसिन देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई किडनी डिजीज वगैरह है तो वो सबका भी होता है रीज़न, तो उसके वो मैंने प्रिस्क्राइब करेंगे आपको तो उससे आपका हेल्पफुल होगा। सो यस दिस आर द टिप्स, आप आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि सूजन आए दिन सबको होता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको केयर करना है क्योंकि इन्फ्लामेशन इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग मैंने इमर्जिंग डिजीज़, अभी डिजीज़ नहीं बोल सकते पर एक ऐसी साइन होती है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं उस चीज़ों को। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव एन अलर्ट टूअर्ड दिस सो प्लीज़ ये है आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड थैंक यू। और आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना जिनसे शेयर कर सकते हो एंड That's it. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।